Go. Okay. Now pull. All right. Okay. What does it remind you of? Sinusoids. It reminds me of a cosinusoid, by the way. Sinusoid or cosine? Same thing. हेलो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस से मेरा एक अलग सा ही पास्ट जुड़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये चैप्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे के पूरे फिज़िक्स का, चाहे HSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो। चैप्टर्स को, टॉपिक्स को बोर्ड्स के बेसिस पे डिवाइड मत करो। पहली बात तो कोई भी आपका स्टैंडर्ड सब्जेक्ट बोर्ड है, दिस चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फिज़िक्स पार्ट वन। रीज़न ये है कि ऑसिलेशंस में हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है वेव मोशन का या वेव्स का बेस, ठीक है। तो JEE के भी जो इवन न्यूमेरिकल्स होते हैं लिंक्ड होते हैं दोनों से, ओके। तो ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी अगर बात करें तो हाइएस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी चैप्टर का है, ठीक है। NCERT में भी काफ़ी हाई डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड महाराष्ट्र बोर्ड में तो फर्स्ट पे है। चाहे CET हो, CET में भी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है, अलॉन्ग विथ KTG, ठीक है। एंड बोर्ड्स के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। तो ये चैप्टर से मेरा पास्ट क्या जुड़ा है, सो जब YouTube पे आया था मैं 2018 में, तब ये पहली प्लेलिस्ट थी मेरी जो स्टूडेंट्स को पसंद आ रही थी, तो इस वजह से काफ़ी अटैचमेंट है। और यही चैप्टर के वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीचर बनूंगा, तो इमोशनली भी इसी चैप्टर से कनेक्टेड हूँ। इस चैप्टर में कुछ 5-6 वीडियोस रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस। हर वीडियो 1.5-1.5 घंटे की नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियोस मतलब जैसे मेरी रहती हैं 25 मिनट 30 मिनट की वीडियोस। एंड उन वीडियोस में मैं एक्सपेरिमेंट्स भी कवर करूँगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो फील जो है वो अलग आती है, फील जो है वो अलग आती है, ओके। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी इसी चैप्टर में किया गया था, परफॉर्म इसी चैप्टर में किया गया था। सो हर चीज़ का आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो अप्रोच है वो एकदम अलग रहेगा, एकदम अलग ही थियोरेटिकल अप्रोच रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी टीचर से पूछें, इस चैप्टर में आता है ओमेगा इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ K/M, आप 5 टीचर्स से पूछ के देखो कि सर वाई ओमेगा इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ K/M, जो आज तक का रिजल्ट है 5 में से अगर एक भी बता दे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। चैलेंज है, ओपन चैलेंज, यूट्यूब पे है ये वीडियो, तो लिटरली मतलब कुछ प्राइवेसी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं बोलो। आप कोई भी टीचर से पूछ के देखो, ऑफलाइन क्लासेस हो या कुछ भी, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, बिकॉज हमारे बुक्स में ये नहीं गिवन है। इंडियन बुक्स में इसका आंसर गिवन ही नहीं है कि वाई ओमेगा इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ K/M, इसका आंसर गिवन है MIT के बुक में, ठीक है। सो वही कह रहा हूँ, अप्रोच मेरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं प्लेलिस्ट की सेकेंड वीडियो में, क्योंकि जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो मेरा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने के लिए ही एक अलग माइंडसेट चाहिए, एक अलग मेंटल लेवल पे होना चाहिए स्टूडेंट, तभी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आएगा। चाहे ओल्ड सिलेबस हो, चाहे न्यू सिलेबस हो, या चाहे NCERT हो, या चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, अलग मेंटल लेवल होनी ही चाहिए। तो अगेन वहाँ पर भी मैं एक्सपेरिमेंट्स ढूंढ रहा हूँ, एंड चालू है मेरी सर्च। जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट की वीडियोस मिल जाएंगी अलॉन्ग विथ थियरी, मैं आपको बता के जाऊँगा। समझो ना, इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी हो जाए, टॉपिक सिखाया चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉपिक सिखाया चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सच में लव क्रिएट हो जाएगा फिजिक्स के लिए। एंड ऑसिलेशंस में तो मेरा वही कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो सारी प्लेलिस्ट मैंने बना भी दी है। सो फाइन, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पैटर्न अच्छा लगेगा एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्लास 12 फिजिक्स कराने का। ऑल द वेरी बेस्ट।
ठीक है, मिलते हैं।